आगे, आपके आगे, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? साहब के आगे, साहब के आगे, भारत माता की, भारत माता की, पिया जाकर बुझे पिया जाकर बुझे पिया जाकर बुझे नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिन। आज देख सकते हैं कि जैसे यहां पे जो पीओके रिफ्यूजी हैं वो आज यहां पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इनकी कुछ डिमांड्स के लिए है। जो इंस्टॉलमेंट्स जो इनको मिलनी थी वो इनको मिल नहीं रही, और काफ़ी हद तक जो उनके केसेज हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कि आपके तो अकाउंट भी वहाँ पर केसेज भी फाइनल हो गए हैं, फिर भी जो आपकी पेमेंट जो है क्लियर नहीं हो रही, क्या वजह है? देखो, पहली जो चीज़ है कि जैसे काम पहले चला था ना, उस ढंग से अभी चला नहीं है, ढीला हो गया, स्लैकनेस हो गई है। और उसमें काम की वजह से क्या हो रहा है कि आज लोगों की फाइलें कुछ तो वैसी पड़ी हैं, और कुछ जो है वो फाइल पास होकर डेप काम के पास गई हैं, दिल्ली में भी डाटा गया, वहाँ से पैसा नहीं पड़ रहा है। वो लोग परेशान हैं, जिनकी फाइल ओके है उनको पैसा तो आना चाहिए, एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी फाइल यहाँ घूम रही है, डीसी दफ्तर वाले लेते हैं, वो उनके तहसीलदार को भेज देते हैं, तहसीलदार उठाते हैं, वो कोई काम कर नहीं रहा है, ना वो करते हैं ना ही करते हैं। और हज़ार बार हमने मीटिंगें भी की हैं, इनको बोला भी है, पर याद हो हमारे साथ डिस्कशन कर लो, क्या तकलीफ है आपको, क्यों काम नहीं हो रहा? तो इसलिए ये बड़ी एक बीमारी बन गई है। और मैं चाहता हूँ कि शायद इनके अंदर क्या सोच है, या वो सोच अच्छी नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते, इस वजह से देरी हो रही है। केसेस बहुत सारे अभी पेंडेंसी बढ़ी है, हालांकि जिनको अभी मिले हैं वो भी एक बड़ी कम परसेंटेज में ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जो प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक मिला नहीं है। आखिर वो क्या प्रॉब्लम्स ऐसी निकल रही हैं जिसकी वजह से जो है उनकी फाइल्स कंप्लीट नहीं हो रही, या हो रही हैं तो उनको क्लियर नहीं किया जा रहा? देखो, ऐसा है कि खासकर वो लोग जो तहसीलदार के रैप्स हैं, जो लोग जहाँ से फाइल रिकमेंड होती है, जहाँ से फाइल ने बनकर आना है, वो लोग काम नहीं करते हैं। उनका काम है कानून छांटना। कानून छांटने में हिंदुस्तानी इतना माहिर है, इसकी काम करने में नहीं। अगर ये काम करे ना तो ये तकलीफ आती नहीं है। ये लोग सब कानून छांटने वाले हैं, एक से एक बढ़िया आएगा। और कुछ लोग वो हैं जिनको ये भी पता नहीं रिव्यूजी है क्या, कहाँ आया, कब आया, इसके साथ क्या सलूक हुआ, ये क्यों ये डी पी सी बना, उनको खुद पता नहीं है। सब नई जनता आ चुकी है, पुराने लोग चले गए, रिटायर्ड हो गए, जो काम करते पहले काम बड़ा अच्छा चला है, मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को। लेकिन अभी काम जो इतना ढीला हो गया है, इतना ढीला, सिवाय कानून छांटने के इनके पास कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी कभी फाइल उठाता उधर भागता है, कभी उठाता उधर भागता है, ये ढंग चल रहा है, जिस वजह से फाइलें लेट हो रही। मुझे ये बताएं कि आप तो अभी कह रहे हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट